जोरदार करंट का झटका लगा इस गीचर से, मैं आपको बता। भाग गया तेंदुआ, हो सकते हैं यहाँ पर हों कहीं आसपास, तभी कुत्ते इतने। और शायर के पूजन के लिए मक्की, खट्टा, खीरा, दाड़ू, अखरोट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और पानी को आया हूँ मैं बॉडी के पास। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, और ये देखिए बस आ चुकी है हमारे पीछे ज्वाला जी। तो चलिए मैं पानी भर लेता हूँ, अब मुझे घर की तरफ निकलना है। दोस्तों परसों मेरे को एक जोरदार करंट का झटका लगा इस गीजर से, मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने बस यहाँ नलका में बस इसको खोलने लगा था, इसको खोलते ही और मेरे हाथ से जग जुग गिर गया और मैं बाहर पहुंच गया था परसों। इतना खतरनाक करंट लगा था। फिर उसके बाद मैंने इससे पानी निकाला, जैसे मैंने अंदर से ऑफ कर दिया था ना इसे, फिर अंदर है इसका स्विच, वहां से ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैं इसका जैसे पानी निकाल रहा था ऐसे, तो उस पानी में भी करंट था ऑफ होने के बाद भी। तो मेरा मतलब बाल बाल बचा उस दिन, और मतलब इतना खतरनाक झटका लगा, बाहर पहुंच गया मैं सीधा। तो गीजर से थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। अब तो ये ठीक करवा दिया है, कल इसमें जो है वो एलिमेंट डला है, एलिमेंट इसका शॉर्ट हो चुका था। शाम के लगभग 5:30-6 हो रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश लगी है, धीमी धीमी बारिश, काफ़ी गरज भी रहा है। कल मेला है शायर का, अगर ऐसे ही बारिश रही तो मतलब मुश्किल हो जाएगी। मेरे जो नंबर है जिसके ऊपर मेरे को सबकी कॉल आती हैं, तो कृपया मुझे कॉल ना करें, क्योंकि उसके सिग्नल चले गए हैं कल से, कल शाम से उसके नेटवर्क उड़ चुके हैं, और अब मुझे उसकी डुप्लीकेट सिम निकालनी पड़ेगी। अब मैं कल जाऊंगा तो कल डुप्लीकेट सिम निकलेगी सोमवार को, और सोमवार लगभग शाम तक 6-7 बजे तक सिम मेरी चालू होगी। तो कोई भी कंप्लेंट हो, कुछ भी हो, तो मुझे कॉल ना करें, कंप्लेंट नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे आज बहुत बंदे गालियां दे रहे होंगे कि फ़ोन ही नहीं लग रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ रहा है मेरा फ़ोन, क्योंकि इसमें सिग्नल ही नहीं है। मैं खुद जो नेट है वो मैं हॉटस्पॉट से काम चला रहा हूँ, सबसे हॉटस्पॉट मांगना पड़ता है मुझे। और अभी मौसम को मद्देनज़र रखते हुए पकौड़े बनाए जा रहे हैं, और साथ में चटनी और रस का मीठा, 3 आइटमें भी मैंने ऑर्डर दिए हैं बनाने को मम्मी को, तो वो आइटमें बन रही हैं। अब हमें उनका जायजा लेना है कि वो बनी कि नहीं, इंस्पेक्शन पे अब मैं चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रस का मीठा बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसको पेल देंगे। वैसे कम लग रहा है मुझे ये, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो है खाने के लिए ही सही। दोस्तों कल शायर उत्सव है, और शायर उत्सव से एक दिन पहले ये राखियां उतार दी जाती हैं। कल सुबह ये राखियां रख दी जाएंगी बॉडी के पास, जहां शायर का पूजन होगा, और शायर के पूजन के लिए मक्की, खट्टा, खीरा, दाड़ू, अखरोट, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये मतलब पानी के किनारे शायर की पूजा की जाती है। तो सभी दर्शकों को शायर उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 3 दिन मेला चलेगा अर्की में, तो आप भी आइए मेले में और मज़े कीजिए, अपनी अपनी राखी उतार दीजिए और शायर की पूजा कीजिए। दोस्तों रात के लगभग 10 बजे हैं और कुत्ते बहुत भौंक रहे थे बाहर, इसलिए मैं निकल गया। खाना तो मैंने करीब करीब 8:30-9 खा दिया था, और अब सोने की तैयारी थी। कुत्ते काफ़ी भौंक रहे थे इसलिए मैं बाहर आ गया। मुझे डाउट है कोई आज मेरे ख्याल तेंदुआ या चीता हो सकता है, चीता नहीं बाघ हो सकता है, बाघ या तेंदुआ हो सकते हैं यहाँ पर हों कहीं आसपास, तभी कुत्ते इतने तेज़ी से भौंकते हैं। वैसे आज काले महीने का भी आज आखिरी दिन है, तो डर भी लग रहा है बाहर, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। देखिए फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, अब मुझे हल्का हल्का डर भी लगने लगा है। तो चलिए व्लॉग को एंड कर देता हूँ, देखा कोई मेरा बाघ या तेंदुआ मेरा ही शिकार कर दे। तो चलिए अब आपसे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय दोस्तों।